हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अगेन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, और इससे प्रीवियस वीडियो में केस स्टडी के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सेंड सॉल्व कर रखे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चन, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के और साइंस के आपको वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, और प्लीज वॉच दोज क्वेश्चन केयरफुली। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आवर एनवायरमेंट का केस स्टडी का क्वेश्चन। द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। जो फूड है जो हम खाते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कैसे? मीन इट एक्ट एज ए फ्यूल मीन्स इट बर्न। फूड जो है बर्न होता है, और ये किसी तरह काम करता है? फ्यूल की तरह काम करता है फूड जो है, और जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और अगर एनर्जी हमारे अंदर आती है तो वी आर एबल टू डू वर्क। द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। वेरियस कंपोनेंट, क्योंकि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं एनवायरमेंट में, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक हमारा लिविंग कंपोनेंट होता है, और अबायोटिक हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। और इनका आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन। आपस में क्या होता है? कुछ ना कुछ एक दूसरे की जरूरत होती है। बायोटिक का आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्शन है, और ये इंटरेक्शन होने की वजह से इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर। जिसकी वजह से क्या है? एनर्जी फ्लो होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। मींस ए से ट्रांसफर होगी एनर्जी बी में, बी से ट्रांसफर होगी एनर्जी सी में। इसका मतलब ए बी सी डी के बीच में कुछ ना कुछ क्या है? इंटरेक्शन, रिलेशन, जिससे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। द ग्रीन प्लांट, जो हमारा ग्रीन प्लांट है, विच टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो ऑटोट्रॉप भी कहलाते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट में ही होता है। मींस दे कैन मेक देयर ओन फूड, कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। एंड ईच ट्रॉपिकल लेवल, यहां एक वर्ड बोला गया बेटे, ट्रॉपिकल लेवल। ईच स्टेप, इसका मतलब ये ट्रॉपिकल लेवल क्या है? फूड चेन का एक पार्ट है। अब यहां पर फूड चेन का एक पार्ट मीन ईच लेवल इन फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिकल लेवल, या ईच स्टेप इन ए फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिकल लेवल। 10% ऑफ एनर्जी इज टेकन एज द एवरेज वैल्यू फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीच टू द नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब ए से ऑटोट्रॉप से एनर्जी ट्रांसफर होगी बी में, तो इसका मतलब ए से बी तक जो एनर्जी ट्रांसफर होगी क्या होगी? 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। बी से सी तक जो एनर्जी ट्रांसफर होगी कितनी होगी? 10%। सी से डी तक जो एनर्जी ट्रांसफर होगी कितनी होगी? 10%। इसका मतलब ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। अगर यहाँ ए पर एनर्जी कितनी है? 1000, तो बी के पास एनर्जी कितनी पहुंचेगी? 100 पहुंचेगी बस। ओनली 10%। कैसे? 10% ऑफ किसका? 1000 का। तो 10/100 इंटू में 1000, तो अगर करोगे तो 0 0 2 0, तो कितना आएगा? 100। अगर यहां पर 100 है तो इसका मतलब बी से एनर्जी सी पर कितनी ट्रांसफर होगी? 10। फिर सी से डी पर कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब अगर ए के पास 100,000 जूल है, तो डी के पास जो एनर्जी पहुंचेगी वो केवल 1 जूल पहुंचेगी। मींस ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन सन से जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब होते बाय द प्लांट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो केवल क्या होता है? 1%। सूरज से ऑटोट्रॉप तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो केवल 1%। लेकिन ईच स्टेप ऑफ फूड चेन और हर ट्रॉपिकल लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है। अब इस फिगर को देखते हैं हम। इस फिगर में क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, ये हमारी क्या है? फूड वेब है। फूड वेब, ये क्या है? प्लांट, प्लांट को कौन खा रहा है? देखो ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर मीन प्रोड्यूसिंग फूड्स। और इसको एक स्टेप ले लेते हैं, डियर। इसका मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूम कर रहा है किसको? फूड को। ये हमारा क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। ये क्या हमारा? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, और प्रोड्यूस को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं। क्या होते हैं? हर्बीवर्स। और इस डियर को कौन खा रहा है? टाइगर, लायन। ये क्या हमारा? कार्निवोरस। ये कौन सा हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका मतलब प्लांट से एनर्जी डियर में ट्रांसफर हो रही है 10%, और डियर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टाइगर में ओनली 10%। इसका मतलब टाइगर को कम एनर्जी रिसीव हो रही है एज कंपेयर टू डियर। डियर रिसीविंग मोर एनर्जी, क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ के पास ज्यादा एनर्जी है, तो 10% एनर्जी है जो इसके पास एनर्जी वो ट्रांसफर हो रही है किसके पास? टाइगर के पास। तो इसके पास एनर्जी कम रहेगी एज कंपेयर टू प्लांट ओनली, क्योंकि 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। अभी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ऐसे हमारे पास आगे करेंगे। देखो, हाउ मच एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से ग्रीन प्लांट कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं? केवल 1%, ओनली 1% एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रास होपर, ग्रास होपर को, ग्रास होपर किसको खाता है? ग्रास को खाता है। तो इसका मतलब ग्रास, ग्रास को ग्रास होपर, और ग्रास होपर को फ्रॉग। इसका ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस इज प्रोड्यूसर, और ये हमारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हमारा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसका मतलब ग्रास होपर इटन बाय फ्रॉग, ग्रास होपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। तो फ्रॉग हमारा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, ग्रास होपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूम डिकम्पोजर्स, नो। प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, नो। प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आंसर इज सी। विच इज नॉट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रास यस, पैडी यस, फाइटो प्लैंक्टन यस। तो जू प्लैंक्टन ये क्या है? एनिमल ऑर्गेनिज्म, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इट इज नॉट प्रोड्यूसर। तो आंसर इज जू प्लैंक्टन, विच इज नॉट अ प्लांट, इट इज एनिमल ऑर्गेनिज्म। इफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द टेरेस्ट्री कंज्यूमर्स, टेरेस्ट्री कंज्यूमर्स मीन्स फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टेरेस्ट्री कंज्यूमर। टेरेस्ट्री कंज्यूमर्स के पास एनर्जी कितनी है? 10 जूल। अगर टेरेस्ट्री कंज्यूमर के पास 10 एनर्जी जूल है, तो इसका मतलब हाउ मच इज एनर्जी अवेलेबल इन प्राइमरी कंज्यूमर। तो आपको पता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर इसके पास टेरेस्ट्री कंज्यूमर के पास 10 है, तो क्या होगा? इसका मतलब इससे 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो इसका मतलब इसके पास कितनी एनर्जी थी? इसका मतलब 100 जूल, और प्राइमरी के पास 1000 जूल, एक एक जीरो। इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एक जीरो कम कर देते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स कंटेन 1000 जूल एनर्जी। तो आंसर क्या है इसका? सी। 10% लॉ इज एसोसिएटेड विद, जो 10% लॉ है तो वो क्या है? केवल 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो केवल क्या होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो केवल क्या होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या बोलते हैं? ओनली 10% लॉ। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में केवल कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10%, और ये केवल ट्रॉपिकल लेवल में ही एप्लीकेबल है। सोलर एनर्जी से या सन से प्लांट के अंदर 10% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, केवल 1% होते हैं। सन से प्लांट में 1%, और प्लांट के बाद फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। आंसर इसका क्या है? सी आंसर। और इसका आंसर क्या था? 1000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट
चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो साइंस का पहला चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन मीन्स जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है पूरी तरह से चेंज होती है। और इक्वेशन क्या है, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की एक शॉर्ट फॉर्म, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा हमारे, रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मीन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, इन विच द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। बोथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स द सब्सटेंस विच इज एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, द सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिसमें, वो क्या होगा, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल द रिडक्शन रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन में भी इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है किसको, लो रिएक्टिव मेटल को। जैसे ए प्लस बी एस ओ फोर, दैट गिव्स ए एस ओ फोर प्लस में बी, इसका मतलब ए ने बी को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा दिया, मीन ए डिस्प्लेस बी, तो ए ने बी को हटा दिया, तो इसका मतलब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। यहां पर क्या एग्जांपल, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये सॉल्ट है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, इसका मतलब जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब जिंक ने डिस्प्लेस किया किसको, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसमें क्या है, इन द अबव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज गेट रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो विच सब्सटेंस इज गेट रिड्यूस। अब देखिए इसमें CuSO4 प्लस में Zn, दैट गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu, CuSO4 से CuSO4 और Zn CuSO4 प्लस में Zn, दैट गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu, ये Cu से CuSO4 से Cu मींस ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और ये Zn से Zn4 इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस। तो विच इन द अबव इक्वेशन विच सब्सटेंस इज गेट रिड्यूस, कौन सा हुआ है रिड्यूस, कौन सा हुआ है, CuSO4, ए द सब्सटेंस इज गेट रिड्यूस, क्यों, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सब्सटेंस ये क्या है, रिड्यूस हुआ है, तो ये तो ये क्या होगा हमारा, दिस सब्सटेंस इज रिड्यूस, तो इसका मतलब इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CuSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच हैज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, विच हैज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या होगा, लूज इलेक्ट्रॉन। It has ability to lose electron. Next, identify the oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent CuSO4 copper
और रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, तो मेरा क्या हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कौन सा रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि जिंक ने किसको हटा दिया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया, ZnSO4 प्लस में Cu। बेस ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन का मतलब हो गया कि बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयन, द सॉल्यूशन इन वाटर कमेंट हुज इलेक्ट्रोलाइसिस इज फास्टेस्ट, किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस फास्टेस्ट है, जो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसका मतलब जो मोर एसिडिक इन नेचर होगा, तो मोर एसिडिक इन नेचर क्या है हमारा, लेमन वाटर एज कम्पेयर टू विनेगर एंड सॉल्ट, सॉल्ट की नेचर एग्जैक्ट पता नहीं, इट में बेसिक इट में भी एसिडिक, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ये क्या होगा कंपेरेटिवली फास्टर होगा रिमेनिंग ऑफ अदर थ्री। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के स्टडी का क्वेश्चन, वो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ब्रीथिंग इन ह्यूमन इन्वॉल्व थ्री स्टेप, ब्रीथिंग मीन्स जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, सांस का लेना और छोड़ना, नो ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, इसमें तीन स्टेप हो, इंस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज और एक्सपायरेशन, मीन ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली हुआ। व्हेन वी ब्रीथ इन रिब मूव अप एंड फ्लैटन द डायफ्राम ड्यू टू विच द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो रिब ऊपर की तरफ आता है हमारा और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और चेस्ट की कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, और जितनी ज्यादा चेस्ट की कैविटी इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर मूव करेगी, और जितना हमारा रिब मूव अप होगा तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल गो इनसाइड द बॉडी, एज ए रिजल्ट द एयर मूव इनटू द लंग्स, जो हवा है जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी लंग्स में। ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज मीन ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का आना, जिसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैस मीन ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। हीमोग्लोबिन HB जो हैविंग ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्टिव होता है, मीन्स हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को जल्दी अपने साथ बाइंड कर लेता है, बाइंड विद ऑक्सीजन एंड कैरी अलॉन्ग विद द ब्लड इन द बॉडी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ इजिली बन जाता है और जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ब्लड की फॉर्म में जाता है, मीन ऑक्सीजन को ले जाने वाला केवल ब्लड है। ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, जो इसका मतलब जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ले गया वो किस में जाएगा सेल में जाएगा, और वो जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में आ जाएगा ब्लड में आ जाएगा। देन इट कैरीड टू द लंग्स फॉर द एक्सपिरेशन, फिर वो ब्लड जो ब्लड जिसने कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव किया किससे सेल से, और वो किस में जाएगा इसका मतलब लंग्स में जाएगा, और लंग्स क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन जब हम इनहेलिंग करते हैं, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी रिब्स कैविटी क्या होती है मूव अप होती है और चेस्ट कैविटी क्या होती है बढ़ जाती है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारी जो रिब है वो क्या होती है डाउन हो जाती है और डायफ्राम का जो शेप है वो क्या होता है एरिया कम हो जाता है, और वो किस शेप में आता है डोम शेप में। डोम शेप में कब आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन में, और चेस्ट की कैविटी का एरिया घट जाता है जिससे हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है लंग से बाहर आ जाती है। फर्स्ट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब हो गया इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और हमारा प्रोसेस कौन सा है नोस्ट्रिल लैरिंक्स फेरनेक्स ट्रेकिया लंग्स, नेसल पैसेज ट्रेकिया एविलरी नहीं लंग्स नोस्ट्रिल नहीं, तो कौन सा आंसर हमारा ए, पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद किस में जाएगा फेरेक्स, फिर ट्रेकिया और फिर लंग्स में, फिर किस में आएगा नोस्ट्रिल से फेरेक्स, फेरेक्स से लैरिंक्स ट्रेकिया और फिर एविलरी, यहां तक है ये डी आंसर है हमारा, आंसर क्या है इसमें डी। नोस्ट्रिल से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरेक्स, फेरेक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स, लंग्स तक जाएंगे ना, एल्वोली में तो एक्सचेंज ऑफ गैस, इनहेलिंग में हमारा क्या होगा ए होगा, क्या होगा आंसर इज ए, द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
The diaphragm shows the part of the human being where the exchange system, this is W, X, Y और Z. जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किसमें होता है? पहले पहले किसमें होगा हमारा? ब्रोंकिस, ब्रोंकियोल्स, लैरिक्स, ट्रेकियनो. सबसे पहले किसमें होगा? ये हमारा क्या है? लैरिक्स है. क्या है हमारा? लैरिक्स. लैरिक्स कौन सा हमारा? W. और इसने लिखा लेकिन ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और क्या लिखा? लैरिक्स और ट्रेकिया. तो हमारा किसमें होगा? ब्रोंकी होल्स, ब्रोंकस हमारा क्या है? ये फिर क्या है? लैरिक्स. ट्रेकिया क्या है? एक्स. लेकिन इसने क्या पूछा? डायफ्राम, डायग्राम और शोइंग द पार्ट ऑफ मैन कैन एक्सचेंज ऑफ गैस. एक्सचेंज ऑफ गैस हमारा क्या होता है? ब्रोंकस से हमारा पहले किसमें आएगा? डब्लू. ब्रोंचस, ब्रोंकियोल्स, फिर क्या हो गया? लैरिक्स, फिर ट्रेकिया. तो ब्रोंकियोस हमारा कौन सा हो गया? जेड. जेड हो गया. फिर क्या हो गया? ब्रोंकियोल्स क्या हमारा? वाई. फिर लैरिक्स हमारा हो गया डब्लू और ट्रेकिया हमारा एक्स. इसका मतलब जेड हमारा क्या है? ब्रोंकस. वाई हमारा क्या है? ब्रोंकियोल्स. और लैरिक्स क्या हमारा? डब्लू. ये लैरिक्स. और एक्स क्या हमारा? ट्रेकिया. तो हमारा आंसर क्या है? जेड वाई डब्लू एक्स. जेड वाई डी आंसर है. क्या हमारा? डी आंसर. आंसर इज डी. आंसर इज डी. सॉरी, इसका आंसर क्या हमारे पास? डी आंसर है. पहले क्या? ब्रोंकियस कौन सा हमारा? डी. जेड है. ब्रोंकियोल्स कौन सा है? वाई. और लैरिक्स कौन सा हमारा? डब्ल्यू. और ट्रेकिया कौन सा हमारा? एक्स. तो हमारा जेड वाई डब्ल्यू, जेड वाई डब्ल्यू और ये एक्स. ये हमारा लेबलिंग डायग्राम है. नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन गेट एट द रेस्पिरेटरी सरफेस. कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करता है? रेस्पिरेटरी सरफेस अमीबा. होल सरफेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस. हमारा पूरा सरफेस किसमें होता है बेटे? यूनिसेलुलर अमीबा में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डायफ्राम शो द रिब एंड सम ऑफ द मसल्स यूज इन द ब्रीथिंग. तो इसमें क्या करें? मसल्स, विच मसल्स रिलैक्स इन मूविंग फ्रॉम पोजिशन एक्स टू वाई. एक्स में इसका मतलब क्या है? इनहेलिंग. जिसमें क्या रहा है? लंग्स एक्स हो रहा है, मीन टेकिंग ऑक्सीजन. और इसमें क्या हो रहा है हमारा? एक्सहेलिंग. क्या हो रहा है? एक्सहेलिंग. तो दिस सो रिब एंड सम मसल्स इन ब्रीथिंग, विच मसल रिलैक्स इन मूविंग फ्रॉम एक्स टू पोजिशन वाई. एक्स से वाई में डायफॉर्म रिलैक्स हो रहा है? नो. तो इंटरकोस्टल मसल्स तो हमारे कौन सा रहा है? डायफॉर्म रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि कौन सी पोजिशन रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स हो रही है? कौन सी? डी. द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैस रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैस किसमें होता है? एल्वियोली. एक्सचेंज ऑफ गैस लंग्स में, लैरिक्स में? नो. एल्वियोली थ्रोट में, एल्वियोली एल्वियोली और कैपिलरीज में. कौन सा आंसर है इसका? एल्वियोली एंड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस. ये हमारा था लाइव प्रोसेस का. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो जो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे. थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस.